हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे फॉर्म इवेंट के अंदर सबमिट एंड चेंज इवेंट। सबमिट बटन आपका कैसे वर्क करता है, चेंज इवेंट आपका कैसे वर्क करता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो आप सीधे वीएस कोड पे आइएगा, कोड के थ्रू ही हम लोग चेक करेंगे। एंड न्यू फाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, सबमिट चेंज डॉट html से आप इसे सेव कर दीजिएगा। तो सबसे पहले डॉक टाइप आपका html, देन html के अंदर बॉडी आप ले लीजिए। एंड बॉडी के अंदर पहले हम लोग यूज करते हैं चेंज इवेंट को। तो चेंज के लिए हम लोग सेलेक्ट ऑप्शन यूज करेंगे। यहाँ पर आप फॉर्म के अंदर सिलेक्शन ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं तो वहां पर आप यूज करेंगे। तो हम लोग एक पैराग्राफ टैग यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, पी टैग। एंड पी टैग के अंदर हम लोग लिख रहे हैं सेलेक्ट अ लैंग्वेज, सेलेक्ट लैंग्वेज फ्रॉम दी लिस्ट। लिस्ट से आपको कोई एक लैंग्वेज क्या है सेलेक्ट करनी है। तो आपके पास ऑप्शन है सेलेक्ट, आपने नेम देने की आपको जरूरत है नहीं, सेलेक्ट की आईडी आप दे दीजिएगा। सेलेक्ट की आप आईडी दे देते हैं एज अ फर्स्ट कर देते हैं फर्स्ट। एंड सेलेक्ट के अंदर अब हमें मल्टीपल ऑप्शन दे रहे हैं। तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपने राइट अप किया है, इसमें हमने दे दिया है ऐसा html, html आपने दे दिया है। एंड ऑप्शन के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं html यहाँ पर राइट अप कर देते हैं वैल्यू भी। दूसरा ऑप्शन आप राइट अप करेंगे यहाँ पर ऑप्शन, इसमें वैल्यू दे देते हैं एज अ css। एंड यहाँ पर हम लोग दे देते हैं css, हम यहाँ पर भी राइट अप कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें आप वैल्यू दे दीजिए जावास्क्रिप्ट। एंड यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट। ये आपने तीन ऑप्शन यहाँ पर राइट अप कर दिए हैं। अब देखिए, जब आप जहाँ पर आपका सेलेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर हम लोग फंक्शन यूज करेंगे ऑन चेंज इवेंट, आप यूज करेंगे ऑन चेंज। एंड यहाँ पर हम लोग करते हैं माई फंक्शन, ये कॉल कर दे मेरे माई फंक्शन को, एक फंक्शन आप दे रहे हैं माई फंक्शन। एंड इस फंक्शन की प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन करेंगे अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो आप यहाँ पर स्क्रिप्ट ले लीजिएगा। एंड स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग फंक्शन, देन माई फंक्शन, माई फंक्शन आपका आ जाएगा। एंड इसमें आप सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं वेयर एक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाय आईडी से आप इसे सेलेक्ट कीजिए। आईडी में आपने आईडी का नेम लिखा हुआ है एज अ फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पर आपने फर्स्ट लिखा हुआ है। एंड इसकी वैल्यू आप स्टोर कर देंगे एक्स के अंदर, डॉट वैल्यू आपने स्टोर कर दिया है। एंड इसके बाद ये वैल्यू देखिए, यहाँ पर आपने सेलेक्ट को तो परफॉर्म कर लिया, इसके नीचे हम लोग एक पैराग्राफ टैग बना देते हैं, उस पैराग्राफ में आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले हो। पी टैग के अंदर हम लोग एक आईडी ले लेते हैं, आईडी इक्वल टू डेमो आप ले लीजिए। एंड इससे पहले मैं यहाँ पर लिख दूँ H1 टैग के अंदर, किसी भी टैग के अंदर लिख लो सेलेक्टेड लैंग्वेज, सेलेक्टेड लैंग्वेज मैंने लिख दिया है। अब देखिए, ये आपने वैल्यू ली, अब इसे रिप्रेजेंट करना है अपने डेमो के अंदर। तो डेमो के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी आपने लिया हुआ है डेमो डॉट इनर html, इनर html आप डाल देंगे। और इनर html में आप किसे प्रिंट कर दीजिए एक्स को, इससे पहले अगर आपको कोई मैसेज दे रहा हो तो मैसेज भी आप दे सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको प्रिंट कर देंगे। सेव किया आपने, रन करते हैं इसको, डिबग करेंगे आप, क्रोम से डिबग कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अभी सेलेक्टेड आपका कुछ नहीं है, जैसे आपने css को सेलेक्ट किया तो आपका सेलेक्टेड लैंग्वेज css यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही आप कुछ दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट कर, html आपने सेलेक्ट किया तो html आ जाएगा। ऐसे ही आप जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट आ जाएगा। तो ये आपका है चेंज इवेंट। तो जैसे जैसे आप यहाँ से कोई वैल्यू सेलेक्ट करें तो आपकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये काम करता है आपका चेंज इवेंट पे। इसके बाद दूसरा आता है आपका ऑन सबमिट इवेंट। सबमिट काम करता है आपका जब आप कोई फंक्शन
सॉरी कोई फॉर्म क्रिएट करें और फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो वहां पर आपका ऑन सबमिट फंक्शन जो है वो कॉल करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस स्क्रिप्ट टैग से पहले, चलिए बाद में बना लेते हैं, स्क्रिप्ट के बाद हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करते हैं यहाँ पर फॉर्म। इस फॉर्म में एक्शन मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, एंड इसके अंदर हम लोग एक इनपुट टाइप ले लेते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट हमने ले लिया है, एंड इसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू दे दीजिएगा। नेम इक्वल टू एप नेम लोग ले लेते हैं, एंड इससे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कुछ, अगर आपको यूजर से लेना है, एंटर योर नेम, आपने यहाँ पर लिखा एंटर योर नेम। एंड इसके बाद आप क्या कर दीजिए, एक बटन बना देंगे सबमिट बटन। सो इनपुट टाइप सबमिट, एंड इसका नेम भी हम लोग ले लेते हैं, नेम इक्वल टू सबमिट। ये आपने एक फंक्शन बना दिया है एंड फॉर्म बनाया है। फॉर्म के अंदर आप क्या करें, ऑन सबमिट एक्शन कॉल करें। ऑन सबमिट आपने सबमिट किया तो ये एक फंक्शन को कॉल करे, तो हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करा देते हैं। डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करें, डिस्प्ले के अंदर हम लोग अलर्ट कर देंगे, जैसे सबमिट हो तो आपका एक अलर्ट मैसेज आ जाए। तो स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन डिफाइन करेंगे, कॉल तो आपने कर दिया है, डिस्प्ले इसकी प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन करेंगे, एंड डिस्प्ले के अंदर अलर्ट में मैसेज लिख दीजिए यू सबमिट द फॉर्म। डेटा ये मैंने यहाँ पर राइट अप कर दिया। देखिए सेव करेंगे आप, फिर से आप क्रोम पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं कुछ, ये तो आपको सीएसएस रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप कुछ भी लिख रहे हैं, एंड इसके बाद जैसे ही आप सबमिट को कॉल करेंगे तो आपका सबमिट एक्शन जो है वो कॉल हो गया है, एंड यू सबमिट द फॉर्म डेटा आपका ये रिप्रेजेंट हो गया है। तो वो डेटा आपका क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, एंड इस टाइप से ये आपके कॉल करते हैं मेथड। तो यहाँ पर हमने यूज किए हैं दो एक्शन, एक तो ऑन सबमिट आपका यूज हुआ है और दूसरा आपका इवेंट हमने यूज किया है यहाँ पर एज अ ऑन चेंज इवेंट। तो ये थे आपके दो इवेंट। थैंक यू स्टूडेंट।